अब जी बैटर हो चुका है रेडी और इसमें मैंने बादाम ऐड किए हैं थोड़ा सा अच्छी इसको लुक और टेस्ट देने के लिए। वैसे कुछ लोग कुकीज़ भी ऐड करते हैं लेकिन मैंने सिर्फ यही किया। और जहाँ पर जी हमारा बन रहा था ब्रेकफास्ट, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि हम बस नाश्ता करेंगे और उसके बाद फ़ौरन निकलेंगे अटक के लिए, तो मैंने सोचा कि जब तक वो ईद पढ़ के आएँ तब तक के लिए मैं सारी चीज़ें जो जल्दी से रेडी कर लूँ। ये है जी चमकीला और भड़कीला, चमकीले और भड़कीले से कलर का मेरा ईद ड्रेस। और ये है इसके साथ का दुपट्टा। अगर आपने मेरी ईद शॉपिंग वाला व्लॉग देखा था तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें मैंने यही ख़रीदा था। और ये मैंने खुद स्टिच किया है, इसको मैंने फ्लोर लेंथ मैक्सी टाइप फ्रॉक बनाया है। तो अब जल्दी से रेडी हो जाते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। हानिया अभी तक रेडी नहीं हुई है क्योंकि हानिया लेट उठी थी, इसलिए लेट उठी, जल्दी उठी, जल्दी उठी तो फिर रेडी क्यों नहीं हुई अभी तक। आयशा, आयशा के प्यारे प्यारे शूज़ हैं और प्यारी सी ज्वेलरी भी और लिपस्टिक भी, तैयार किसने की है? यू आर लुकिंग सो नाइस। अभी कहाँ जाओगी इसके बाद? हानों के घर। ओके जाओ। कहाँ से लगा ली है, हैं? आयशा बड़ी आपा है और जावियान छोटा बेबी है ना, माशाल्लाह। जावियान के मेरे सेम ड्रेस है, ये देखो। अब जी हम फाइनली निकल पड़े हैं, मेरी दो देवरानियों के घर हमारे घर के पास थे तो सबसे पहले हम उनके घर गए ईद मिलने, क्योंकि हमें जल्दी निकलना था। और उसके बाद अभी हम एक और घर पे जा रहे हैं, वो भी मेरी देवरानी जेठानी जो भी आप समझ लें वो हैं, तो वहाँ पर मेरे पापा जी भी होते हैं, तो उनसे मिलने के बाद फिर हम अटक के लिए रवाना होंगे इंशाल्लाह। और ये वो रास्ते हैं जो मैं आपको अपने बहुत सारे व्लॉग्स में दिखाती रहती हूँ, क्योंकि ये मेरे कॉलेज का रास्ता है और यहाँ से हम हर रोज़ सुबह भी शाम को भी छुट्टी टाइम भी हर टाइम गुजरते रहते हैं। वैसे कहीं पर भी जाना हो ये वाला रोड तो हम लोगों ने हर टाइम हमेशा ही फॉलो करना होता है, ये वाला नहीं इससे पहले वाला। मम्मा ने बहुत प्यारी लग रही हो। चलो तो जी अब सबसे मिलने मिलाने के बाद फाइनली हम अटक के रास्ते पे चल पड़े हैं। अभी थोड़ी देर में आपको नज़र आएगा हमारा वर्ल्ड फेमस तो नहीं, मियांवाली फेमस जहाज़ चौक। और जो है जहाज़ चौक का, किसी को अगर मियांवाली का पता है तो उनको जहाज़ चौक का पता होता है, क्योंकि इस पे बहुत बड़ा सारा एक इन्होंने जहाज़ जो है इंस्टॉल किया हुआ है। जब मैं छोटी थी और कोई जहाज़ चौक का बोलता था तो मेरे माइंड में आता था कि वहाँ उसको जहाज़ चौक क्यों कहते होंगे, वहाँ पे क्या जहाज़ आते होंगे, क्योंकि मैं कभी गई नहीं थी और मैंने देखा नहीं था। तो अब जो है मेरे माइंड में आता था कि शायद वहाँ जहाज़ होगा, जब मैंने एक्चुअली देखा था फर्स्ट टाइम कि वहाँ पे एक्चुअली में जहाज़ था, तो आई वॉज़ लिटिल सरप्राइज कि यही मेरी इमेजिनेशन में था ऐसे होना चाहिए और यहाँ पर ऐसा ही था। मियांवाली में तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन मैं आई वॉज जस्ट होपिंग कि इंशाल्लाह रास्ते में मौसम अच्छा होगा और अटक जाके तो डेफ़िनेटली अच्छा होगा ही, क्योंकि अटक और मियांवाली के मौसम में जो है काफ़ी डिफरेंस है। मेरी सिस्टर मुझे बताती होती थी कि जब हमारे पास वो रेत वाले तूफ़ान आते होते थे तो वहाँ पर बारिश हो रही होती थी, तो मुझे था कि वहाँ पर तो इंशाल्लाह मौसम अच्छा ही होगा, लेकिन पूरे रास्ते में उस तरह से इतना अच्छा मौसम नहीं था, गर्मी थी काफ़ी। गाड़ी से उतर के लगती थी, गाड़ी में तो क्योंकि आपको पता है कि एसी होता है तो उसमें इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन जब आप नीचे उतरते थे तो फिर आपको अच्छा खासा वेदर डिफरेंस फील होता था। और सेकेंडली ये कि जब हम अटक के बिल्कुल करीब पहुँचे थे तो मौसम काफ़ी अच्छा था, और अब मैं अब जहाँ फाइनली पहुँच चुकी हूँ तो अब तो यहाँ वाकई मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। और रास्ता बहुत खूबसूरत था, क्लाउड्स थे छोटे छोटे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थे, हल्के हल्के कहीं कहीं पे थे, और ग्रीनरी थी बहुत प्यारी, दरख्त थे, और जब आपके पास नीले नीले ये बादल, नीला आसमान और खुली जगहें और ऐसे रंग बिरंगे तो ग्रीन कलर की ब्यूटीफुल ग्रीन ट्रीज़ होते हैं तो हर रास्ते को हर चीज़ को चार चांद लगा देते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है।
वी आर ऑन सी पैक नाउ. सी पैक की वजह से हमारा जो डिस्टेंस है मियांवाली और अटक का काफ़ी कम हो गया है. पहले मुझे याद है जब हम जाते होते थे, मतलब मेरी शादी से पहले, तो हमें ऑलमोस्ट 5 घंटे तो लगते ही लगते थे, कभी 5 से ज़्यादा भी लग जाते थे. लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी कभी अगर हम बहुत ज़्यादा जल्दी में आ रहे होते हैं तो 3 घंटे, और अगर हम आराम से आते हैं तो 3.5 घंटे लगते हैं. और हम बहुत, मतलब कि बहुत मज़े से. वैसे भी अब आज तो ईद थी तो इतना ज़्यादा रश नहीं था. सी पैक पर वैसे भी इतना बहुत रश नहीं होता, और क्योंकि रोड्स बड़े स्मूथ और अच्छे हैं तो सफ़र वैसे ही अच्छा गुजर जाता है. लेकिन सी पैक की वजह से और किसी को फ़ायदा हुआ हो या ना हो, हमें बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि अटक और मियांवाली का डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह. ख़त्म हो चुका था और उसके बाद जो अटोमिक की बेस आती है वो इलाका ममनू होता है. हालांकि वो बहुत खूबसूरत जगह है, अगर आप लोगों ने कभी उस तरफ ट्रैवल किया है तो आपको आइडिया होगा. वहाँ बहुत ग्रीनरी है, बहुत खूबसूरत जानवर होते हैं, सब कुछ बहुत 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 प्यारा है. लेकिन वहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है. तो उसके बाद जैसी अभी वो एरिया ख़त्म हुआ तो मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया था. अब जो है सी पैक भी ख़त्म हो गया था, वो जो अटोमिक का एरिया था वो भी ख़त्म हो चुका था. अब फाइनली अब हम मिलते हैं आपसे घर जाके. जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली खैर खैरियत से हम अटक पहुंच चुके हैं. और क्योंकि सुबह बहुत जल्दी का हम लोगों ने नाश्ता किया हुआ था, तो अम्मी को हमने ऑलरेडी बताया था, बल्कि उनको पता था कि हम नाश्ता करके आ रहे हैं, तो खाना हमारे लिए रेडी था. भूख भी बहुत लगी थी, थके हुए भी बहुत थे, तो हमने फ़ौरन आते साथ ही खाना खाया. क्योंकि खाना खाने के फ़ौरन बाद मेरे हस्बैंड को निकलना था वापस घर के लिए. आई डोंट नो आप लोगों में से जो लोग मैरिड हैं उनके हस्बैंड उनकी अम्मियों के घर पर स्टे करते हैं या नहीं करते, लेकिन मेरे वाले कभी भी नहीं करते. हमने खाना बहुत इन्जॉय किया, सब कुछ बहुत मज़े का था, यमी था. तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, आधा मियांवाली में आधा अटक में. आई जस्ट होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा. नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल.